तो सो गाइस आपका दोस्त ही सुबह मैं यूसी यूट्यूब चैनल पर गाइस आज मैं आपको अपना स्काई ब्लॉग दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं मैं एकदम नीचे तो खुद ही आया हूँ गाइस। मैं देखिए कहाँ पहुँच गया, टॉर्च लगाते हुए आ रहा हूँ ताकि मुझे रास्ता याद रहे। गाइस मैं तो इधर पहली बार आ रहा हूँ, मैं तो कभी इधर आया ही नहीं हूँ गाइस। अभी तो क्रिएटिव पे आया गाइस, सोच रहा था कि एक बार क्रिएटिव पे देखूँ कि कहाँ पहुँचता हूँ गाइस। मैं इतना खतरनाक केव में आ गया, आप देख सकते हैं इधर क्या क्या मिल रहा है। बहुत सारा गोल्ड मुझे मिल रहा है और आयरन भी गाइस मिल रहा है यहाँ पे। गाइस मैं तो पहली बार इसमें आया हूँ गाइस। गाइस मैं इधर कुछ भी अपने ऐसे नहीं लगाऊंगा, इसमें बिल्कुल भी दूर नहीं बोल रहा हूँ। गाइस ये केव अपने आप ही मुझे मिला है गाइस, ये तो मैं इतना बड़ा केव अपने से तो बना नहीं पाऊंगा गाइस। गाइस बस मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली ये है कैसा केव गाइस। आप देखेंगे तो गाइस ये केव बहुत ही बड़ा है और बहुत नीचे में गाइस, अंडरग्राउंड में गाइस बहुत ज़्यादा ही है गाइस। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतने नीचे है गाइस, इतना नीचे में है गाइस कि पूछिए मत। मुझे अपना रास्ता याद रखना है टॉर्च की वजह से। गाइस गोल्ड और आयरन की बिल्कुल भी कमी नहीं पड़ रही मुझे, चाहे तो मैं गाइस जब चाहे तब यहाँ के माइनिंग कर सकता हूँ। गाइस मैं भी आपको अपना को दिखाऊंगा गाइस, फिर हम लोग देख रहे हैं सब केव पर एक्सप्लोर करें आखिर ये केव है कैसे गाइस। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं सर्वाइवल पे गाइस ऐसे केव है। अगर मैं तो इधर कुछ भी नहीं छोड़ता, अगर मैं क्रिएटिव पर हूँ तो मैं कुछ भी लूँगा भी नहीं गाइस इस केव से। बहुत ही खतरनाक भी लग रहा है, बस अब देख सकते हैं डायमंड भी मिल गया है हमें, बहुत सारा डायमंड भी है। बस मैं इधर से आराम से अपना गोल्ड ले लेता हूँ, बस टेस्ट कर लूँ गाइस। वाह 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 भी गोल्ड यहाँ मिल गया हमें गाइस, ये किए गाइस और जो गोल्ड गाइस बदलती हुई जैसे डायमंड मुझे ठीक टाइप का केव नहीं लगता है। मैं पहले अपने गेम में चीटिंग वीटिंग नहीं किया गया यहाँ पर सभी वाले डायमंड। मैं गाइस वापस से जा रहा हूँ इसे क्रिएटिव करने, तभी मैं इसे एक्सप्लोर कर पाऊँगा। इनके एक्सप्लोर ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि अंडरग्राउंड में इतने खतरनाक केव छुपे हुए जो हमें इतना सारा चीज देते हैं। ये केव है कि क्या है गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इतना बड़ा केव आप लोग कभी देखे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा गाइस। हमें यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है गाइस। देखिए अब मैं इस केव से जा रहा हूँ गाइस वापस अपने घर। छोड़िए इस केव को, मेरे ये काम तो मैं ये भी भूल गया हूँ नहीं से भी देख सकते हैं कर डालता हूँ खत्म।
चलो गाइस मैं खेलता हूँ वीडियो से, कोई काम का तो हो जाए, सब चीज़ काम का लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है देने का। स्कीव से एग्जिट होने बहुत थोड़ा सा टाइम अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि बहुत ही बड़ा है गाइस, इतना बड़ा है कि पूछिए मैं। अगर गाइस मुझे डायमंड चाहिए तो मुझे बहुत से डायमंड मिलेंगे, अच्छा तब डायमंड ले लूँ, लेकिन मैं इधर से नहीं लूँगा गाइस। इधर ही से मेरा घर का रास्ता था शायद गाइस, मैं तो राइज होता है कि यहाँ फंस गया हूँ, मैं कैसे नहीं फंसा, मैं तो इधर आया था। ऐसे अभी हम लोग नहीं फंसे हैं, ऊपर में रास्ता नहीं है ना। हाँ भाई सीधे से रास्ता है, बाकी का मेरे इधर ही कहीं रास्ता होगा, अगर पानी इधर होगा तो वैसे वो रास्ता है मेरा ही। ये तो वो है जहाँ पे इतना सारा गोल्ड था, मतलब है गाइस ये गाइस ये सारी गोल्ड है, मैं वेट भी नहीं कर सकता गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे गोल्ड ले ही चलूँ, गोल्ड लेने जाते तो फिर क्या करेंगे, तो जैसे मकड़ियाँ मेरे को ना आए इसलिए मैं थोड़ा सावधानी से काम करूँगा गाइस, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करूँगा गाइस, जैसे बंद कर दूँगा अंदर जाके। मैं नहीं जानता कि जो है हमें इससे कितना गाइस वो मिलेगा, अभी फॉर्च्यून की है मेरी तो गाइस मुझे नहीं पता कि हमें कितना गोल्ड देगी। ये देगी गोल्ड गाइस, हाँ गाइस देगी गोल्ड देगी नहीं गाइस, ये तो नहीं दे रही है, तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक आवाज़ें भी आ रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो वैसे अभी इस जगह से निकला, मैं अब कुछ नहीं लूँगा गाइस, कितना भी मेरा लक अच्छा हो गया तो मैं नहीं लेने वाला इधर से कुछ भी, निकलो यहाँ से। इतनी सारी चीज़ें गाइस यहाँ मिल रही हैं कि पूछिए है मैं, अगर ये जो है ऊपर ही में होता है तो मेरे लिए सोच आसान रहता है, कि नहीं ज़्यादा ही गाइस नीचे में है, नहीं तो अगर ये ऊपर ही में क्या होता गाइस ना तब फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं था। हाँ गाइस इधर ही से वो रास्ता है शायद, नहीं गाइस जी मुझे नहीं पता, हाँ गाइस इधर ही से वो रास्ता है, देखिए मैं कितना ऊपर से आया हूँ गाइस, इधर इतना ऊपर से कि पूछो मैं गाइस, बहुत ही ऊपर से गाइस मैं नीचे आया हूँ। मैं सोच रहा था इस ट्रिप में जो है मैं एक बीच बनाया हूँ, मैं सोच रहा था कि उस बीच के पानी को एकदम नीचे तक ले जाऊँगा कि इसमें कोई भी गिरे तो जो है बिल्कुल भी बचे ना गाइस, लेकिन यहाँ पे सब चीज़ कुछ और ही हो गया गाइस। गाइस ये वो जगह है गाइस, ये मेरा माइनिंग एरिया है गाइस, जहाँ पे हम लोग माइन कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं नीचे बेड रॉक है ताकि इधर से माइनिंग करके कोई गिरे नहीं,
गाइस देखो ट्रैफिक के नीचे से गाइस ये काम का रास्ता है तो देखो मैं बहुत ठीक कर रहा हूं ये गाइस मेरी बर्ड है दे गाइस वाटर स्टेशन आई का बोर्ड भी लगा है इससे एक फायर मिलता है और थैंक यू फॉर कमिंग इन माय स्काई ब्लॉक प्लीज गाइस मैं जॉइन द प्रोसेस के लिए गाइस बर्ड आज हम लोग टेराकोटा का स्काई ब्लॉक बनाने गए टेराकोटा स्काई ब्लॉक गए तो गए सबसे पहले तो हमें इसे दूर ले जाना होगा ऐसे करके गए तो हमें इसे यहाँ बनाना है मैं यहाँ पे रहेगा हमारा टेराकोटा का गाइस गाइस टेराकोटा के ऊपर गाइस मैं स्नो गोलम्स को रख दूंगा गाइस ये स्नो का टेराकोटा बन जाएगा स्नो टेराकोटा कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा डार्क वेदर का ये कैसा लगता है जो मैं डार्क वेदर बना गई मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और ये स्काई ब्लॉग बहुत ही गजब लगेगा अगर इसके नीचे कोई होम रहेगा गाइस यहाँ पे तो उसे कोई दिक्कत नहीं उसे यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं लगने लगा अगर मैं चाहूँ तो इस सन को जो है गाइस ख़त्म भी कर सकता हूँ अगर आप सोचें कैसे तो मैं गाइस मतलब ख़त्म तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन गाइस मैं इस टेराकोटा को ऐसे बढ़ा के गाइस सन की रेस को नीचे नहीं पहुँचने दूँगा ये मैं कर सकता हूँ गाइस जैसे नेदर में था बेड रॉक गाइस एकदम गजब था अपसाइड भी बेड रॉक गाइस ऐसे ही ये भी गाइस हमारा टेराकोटा लैंड बहुत ही कूल दिखने वाला है वाओ गाइस यहाँ से जस्ट ऊपर हमारे सन है आप लोग देख ही सकते हैं जस्ट गाइस अपसाइड है गाइस नीचे से एकदम परछाई ही आ गई है अगर मैं इसे बढ़ाऊँ तो क्या होगा गाइस अगर मैं इसे बढ़ाता तो परछाई भी बढ़ती जाएगी छोड़िए उसे गाइस स्नो गोलम बनाने को हमें जरूरत पड़ेगी स्नो की जो है पंपकिन की पंपकिन हेड गाइस पंपकिन की है क्रैब्ड पंपकिन अब आपको जो है स्नो आप जैसे चाहे वैसे रखिए अब स्नो को कैसे चाहे वैसे रखिए बस ये स्नो गोलम बन जाएगा गाइस आपको स्नो गोलम की कोई चिंता नहीं करनी गाइस ये बहुत ही जो है आसानी से बन जाते हैं गाइस मेरा एक तो गोलम तो गया नीचे हो गाइस मरा भी नहीं गजब पावर है गाइस लेकिन गाइस इनका लाइफ बहुत ही कम होता है तो ये जल्दी मर जाते हैं गाइस अब हम लोग का यहाँ पे गाइस आइस टेराकोटा लैंड है गाइस देख सकते हैं स्नो टेराकोटा मस्त है गाइस गोलम्स और गाइस आपको एक सीक्रेट पता है ये नहीं गाइस ये कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस ये बहुत ही कूल सीक्रेट है गाइस जिसे आप करके गाइस आपको बहुत हंसी आएगा गाइस मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ उसके लिए गाइस हमें तो सबसे पहले पड़ेगी इसी में हो गए हाँ गाइस मिल गया सीओस की गाइस अब देखिएगा मैं क्या करूँगा
इनको गाइस ये देखें गाइस, अब इनका फेस देख के चौंक जाएंगे गाइस कि क्या अंदर का फेस कैसा दिखता है। ये बहुत ही कूल दिखता है, मुझे देख दो हंसी आता है गाइस इनके ऊपर। अब देख ही सकते हैं कितना सारा स्नो गाइस ये लोग यहाँ लगाए हैं। इनका फेस देख के कोई भी कैसा सूटेगा गाइस। अगर आप भी अपने पास गोली में रखें तो ऐसा ज़रूर करिएगा गाइस, बहुत मज़ा आएगा गाइस। यहाँ से सब चीज़ हमें गाइस दिखती है, जैसे कि वहाँ पे देखिए एक केव है गाइस, यहाँ पे एक हाउस है गाइस। वो मेरा भाई आ गया था, छोड़िए। और गाइस अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे इधर क्या है। यहाँ पे गाइस पिलेजर्स गाइस रहते हैं। यहाँ पे गाइस मैं एक बार क्रिएटिव पर टीएनटी एक्सप्लोजन किया था, लेकिन यहाँ सारे नहीं मरे गए। मुझे इनके ऊपर गाइस गुस्सा आता है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो तब तक के लिए गाइस मैं स्काई ब्लॉग भी आप लोग देख लिए हैं, तो तब तक के लिए बाय।